मुझे तो सिर्फ सवाल पूछने आप लोगों को, उत्तर प्रदेश के और बिहार के लोगों को मुझे सवाल पूछने, आपके यहां के राजनेता कुछ नहीं करते, आप बाहर जाते हैं, बाहर जाके आपको इस संघर्ष का सामना करना पड़ता है, आपको नहीं लगता कि आप हर जगह जाके अपमानित होते? आपका स्वाभिमान कहां है? आप आपके राजनेताओं को कभी पूछेंगे नहीं कि हम लोग जब बाहर जाते हैं तो हमें जिल्लत की जिंदगी जीनी पड़ती है, लोग गालियां देते हैं, मारपीट करते हैं, वहां के लोगों को अगर अभी तक उनके वहां पे लोगों को रोजगार नहीं है, हम लोग वहां पे जा रहे हैं और ये सिर्फ उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात यहीं तक ये बात नहीं है, ये पूरे दुनिया में हो रहा है, ये हर जगह पे हो रहा है। और इस बात को हमें समझना चाहिए कि हमारे लोगों को अगर आपके, अरे मैं यदि बिहार में अगर देखे जाए, अपने यहां पे जो पहली यूनिवर्सिटी बनी वो तक्षशिला, जो पार्टीशन के बाद अभी पाकिस्तान में चली गई, दूसरी जो यूनिवर्सिटी बनी वो नालंदा जो बिहार में थी, तीसरी यूनिवर्सिटी बनी वो थी 1200 में, 1290 या कहीं उस वक्त ऑक्सफोर्ड। अंग्रेज लोग, कुछ लोग, कुछ प्रोफेसर्स, उसके बाद एक फ्रांस में एक यूनिवर्सिटी बनी, तो कुछ लोग फ्रांस की यूनिवर्सिटी में चले गए थे और वहां पे भी यही संघर्ष हुआ था कि फ्रांस की यूनिवर्सिटी में जो सिखाने वाले जो प्रोफेसर्स हैं वो फ्रांस के होंगे, इंग्लैंड के नहीं होंगे, ब्रिटिशर्स नहीं होंगे, तो ब्रिटिशों को बाहर निकाल दिया गया। जो गए थे वो वापिस आ गए ऑक्सफोर्ड में। अभी जो ऑक्सफोर्ड में जो थे उनके लिए तो वो मुहाजिर थे, ये तो बाहर जाके आए, बाहर से अभी अपने यहां पे यूनिवर्सिटी में आए, ऑक्सफोर्ड से भी उनको निकाल दिया गया। लोग एजुकेटेड थे, सीखे हुए थे, तो उनको पता चला, तो वो बाहर निकले और बाहर निकलने के बाद उन्होंने एक यूनिवर्सिटी खोली जिसका नाम है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। मैं ये आपको क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ये आज से नहीं, ये सालों सालों से चल रहा है, ये हर जगह चल रहा है कि अगर मेरे बच्चे, अगर मेरे यहां पे लोग अगर भूखे रहेंगे, उनके हाथ को काम नहीं मिलेगा, उनको नौकरियां नहीं मिलेंगी, और वो देख रहे हैं कि बाहर के आके लोग यहां पे अगर बस रहे हैं और काम कर रहे हैं। इन्होंने मुझे किसी ने इसमें सवाल किए हैं कि जो उत्तर प्रदेश से लोग आते हैं, बिहार से लोग आते हैं, वो सब्जियां बेचते हैं, तरकारी बेचते हैं, वॉचमैन बनते हैं, कम सैलरी में वो काम करते हैं, मराठी लोग काम करते हैं क्या? आइए मेरे साथ, मैं दिखाता हूं आपको। महाराष्ट्र के हर जगह पे जाएंगे तो मराठी लोग जो है वो लीगली बैठे हैं, तरकारी बेच रहे हैं। मंडी में जाइए कभी मार्केट में, आपको मराठी लोग ही मिलेंगे। बहुत जगहों पे हमारी मराठी औरतें बैठी रहती है। ये जो फेरी वाला का जब आंदोलन जब हुआ, उसके बाद बहुत सारे ऐसे मराठी लोग भी मेरे पास आए, लेकिन जहां पे लीगल नहीं था वो मेरे पास आए कि हमें बैठने दीजिए। मैं बोला जहां पे लीगल नहीं है वहां पे कोई नहीं बैठ सकता। तो जो मैंने, मुझे समझाना था वो आपको भी वही समझाना था, उनको भी मैंने वही समझाया। और फेरीवाला के आंदोलन में भी यही हुआ था कि हमारे लोग जब उनको समझाने के लिए गए, बताने के लिए जब गए, उन्होंने जो भाषा का प्रयोग किया और दिखाने के लिए, आपके जो नेता लोग यहां पे कहते हैं कि हम लोग उत्तर भारतीयों के नेता जो है, उन लोगों ने इन सारी चीजों में जो आग लगाई, उसके बाद यह संघर्ष शुरू हुआ। मुझे लगता है एक बार अगर आप अपने भी गिरेबान में झांक कर देखेंगे कि क्या हो रहा है, तो मुझे लगता है कि यह संघर्ष का कोई मतलब ही नहीं है। आज इंडस्ट्री महाराष्ट्र में इतने सालों से क्यों रह रही है, क्यों आ रही है,
क्योंकि यहां के मराठी लोगों ने जो सुसंस्कृत मराठी जो लोग हैं उन लोगों ने यहां की जो भूमि तैयार की उसकी वजह से बाहर की बहुत सारी इंडस्ट्री महाराष्ट्र में आ रही है। मुझे लगता है कि ऐसी कोई सुसंस्कृत उत्तर प्रदेश में लोग नहीं है, ऐसी बात नहीं है, बहुत सारे लोग हैं। उनको एक बार ये सोचना चाहिए कि उनके जो युवा हैं, जो युवती है, उनके भविष्य के लिए यहां पे लोग आने चाहिए, इंडस्ट्री उत्तर प्रदेश में जाए। मैं चाहता हूं कि इंडस्ट्री उत्तर प्रदेश में जाए, बिहार में चली जाए, वहां के युवकों को काम मिले। लेकिन बस वहां से निकले और यहां पे मुंबई महाराष्ट्र में चले आए आप, मालूम नहीं क्या करना है, बस गए। झोपड़पट्टी के ऊपर झोपड़पट्टी बन रही है मुंबई में, थाना में, हर जगह पे। आपको मालूम है उत्तर प्रदेश, बिहार और सिर्फ झारखंड से, तीन राज्यों से महाराष्ट्र में रोज 48 ट्रेनें आती है। 48 ट्रेन रोज आ रही है, भर के आ रही है, खाली जा रही है। एक शहर होता है, एक राज्य होती है, उसकी एक कैपेसिटी होती है, उसकी एक क्षमता होती है। उस क्षमता के बाहर अगर लोग सिर्फ आते रहेंगे तो जो रह रहे हैं पहले से वो कहां जाएंगे? जैसे मराठी लोगों का तो है ही महाराष्ट्र, लेकिन इस महाराष्ट्र में रहने वाले ऐसे बहुत सारे, तीन जनरेशन, चार जनरेशन ऐसे उत्तर प्रदेश के भी लोग हैं, बिहार के भी लोग हैं, गुजराती भी है, मारवाड़ी भी है, चार चार पांच पांच जनरेशन यहां पे रह रहे हैं। वो समझ सकते हैं मैं क्या बोल रहा हूं। आज इन शहरों की जो हालत बनी हुई है, लोगों को स्कूल में एडमिशंस नहीं मिल रहे, कॉलेज में एडमिशंस नहीं मिल रहे, लोगों को फुटपाथ पर चलने के लिए उनको फुटपाथ नहीं मिल रहे, सिर्फ शहरों की आबादी बढ़ती जा रही है, रोड्स कम पड़ रहे हैं, ट्रैफिक बढ़ रहा है, और सबसे बड़ी बात जो बाहर से जितने लोग आए हैं यहां पे, आज इतनी पुलिस यहां पे आई हुई है, कभी एक बार उनको जाके पूछ लीजिए, महाराष्ट्र पुलिस को जाके पूछ लीजिए आपका सबसे ज्यादा समय कहां पे जाता है। जो महाराष्ट्र में जो क्रिमिनल एक्टिविटी जो हो रही है, जो क्राइम हो रहा है, जो गुनाह हो रहे हैं, वो सबसे ज्यादा अगर वो इन्वेस्टिगेशन उनका चल रहा है तो वो उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और बांग्लादेश की बॉर्डर पे चल रहा है। यहां पे क्राइम करते हैं और वहां पे चले जाते हैं। '95 के पहले ऐसी हालत नहीं थी, लेकिन 95 में यहां पे एक महाराष्ट्र में स्कीम आई, झोपड़पट्टी वालों को मुफ्त घर। 95 के पहले की मुंबई अलग थी, 95 के बाद की मुंबई अलग है। मुंबई थाना 95 के अलग अलग था, 95 के बाद अलग है। महाराष्ट्र के हर शहर में जाएंगे, पुणे में जाएंगे, हर जगह जाएंगे तो 95 के पहले अलग है, 95 के बाद अलग है। इतने वहां से लोग आए, अच्छा मुंबई में फोकट घर मिल रहा है। उसमें बहुत सारे जो लोग आए, वो आए हुए लोग कौन हैं? जो यहां पे सीख रहे हैं, जो यहां पे नौकरी कर रहे हैं, अच्छी तरह से नौकरी कर रहे हैं, वहां पे संघर्ष की कोई बात नहीं है। लेकिन जो सिर्फ क्रिमिनल्स यहां पे आ रहे हैं, अगर उस राज्यों से आ रहे हैं, राज ठाकरे बर्दाश्त नहीं करेगा। हमारी मां बहनों की इज्जत कोई चौराहे पे नहीं रखी नहीं हमने, कि कोई भी यहां बाहर से आता है जो टैक्सी वाला बोलता है, टैक्सी चलाता है, और टैक्सी चलाते चलाते हमारी मां बहनों को अगर वो गाली देगा कौन सहेगा? आज महाराष्ट्र में जो मुसलमान रहते हैं, जो महाराष्ट्र के मराठी मुसलमान हैं, जो आप देखिए बहुत सारे इलाकों में रहते हैं, दंगे वहां पे कभी नहीं होते। जो बाहर से आए हुए जो मुसलमान है, बाहर के राज्यों से आए हुए मुसलमान है, दंगे वहां पे होते हैं। मुझे याद है एक बार आजाद मैदान पे एक मोर्चा निकाला गया था, कौन होते थे, रजा कदमी, वो उनका उनका एक मोर्चा निकाला हुआ था,
मैंने जब बाद में पूछताछ की मैंने पुलिस से, तो सब उसमें से कम 98% जो मुस्लिम्स थे आए हुए, जिन्होंने मीडिया की वैंस जलाए थे, पत्रकारों के यहां पे मारा था, यहां के पुलिस को मारा था, पुलिस जो महिलाएं हमारी जो बहनें हैं उनके इज्जत पे हाथ डाला था, जो भी लोग थे वो बाहर के लोग थे, आपको क्या लगता है वो हम लोग से हैं? वो सब थे आजमगढ़, प्रतापगढ़ वगैरह वगैरह, यहां यहां से लोग आए थे। यही बात उल्टी करके एक बार देख लीजिए कि अगर यही बात आपके प्रदेश में, अगर उत्तर प्रदेश में हो या बिहार में हो, आप क्या करेंगे? मुझे लगता है कि आपको भी इस बात पर सोचना चाहिए। संघर्ष होता कब है? ऐसी बात नहीं है ना कि मुझे कोई बाकी कोई सोच नहीं है, बस संघर्ष करो। जो मैं कहता हूं, जो मैंने बातें मराठी में की थी, वही आपके सामने मैं आज मैं हिंदी में रख रहा हूं। आज मेरे यहां पे दोस्त आए हुए हैं, यहां पे कहीं बैठे होंगे मिस्टर, ये देखिए खड़े हो जाइए उबर, ये इनका नाम है मिस्टर सुरेश गुप्ता, ये कम से कम 40 साल से मेरे दोस्त है, 30 साल से तो है ही है। अगर हर जगह मैं नफरत की आंखों से देखता, ये क्या दोस्त रहते क्या मेरे? यहां पे एक बहुत बड़े एक सीनियर पत्रकार बैठे हैं, अमरीश मिश्रा, टाइम्स ऑफ इंडिया के। मराठी लोग नहीं बोल सकते उतनी उत्तम मराठी ये बोलते हैं। मेरे पार्टी के उपाध्यक्ष वागीश सारस्वत किधर है, ये देखिए, क्या रहते क्या है वो मेरे साथ? मेरी जो सोच है वो बहुत सीधी है। बीच में कुछ लोग आए थे मेरे पास, एक युगांडा में रहने वाले मराठी लोग जो थे, उनको मेरी तरफ से कुछ संदेश चाहिए था, तो मैंने उनको संदेश लिख के भेजा था, शायद लिख के नहीं मैंने बोल के ही भेजा था, और मैंने उनको कहा था जिस देश में रह रहे हो उसकी भाषा सीखो, उसकी संस्कृति सीखो, उसके हिसाब से रहो। आप जिस प्रदेश में जा रहे हो उस प्रदेश की भाषा आपको सीखनी चाहिए, उस प्रदेश के लोगों का आपको सम्मान रखना चाहिए, और यहां पे अभी इतनी भीड़ हुई है कि आपके लोगों को अभी बताना चाहिए कि भाई साहब अभी मत आना। एक समय था जहां जब मुंबई में, महाराष्ट्र के बहुत सारे शहरों में, खास करके मुंबई में दक्षिण के लोग आते थे, 60 के दशक में, उस वक्त दक्षिणात्यों के खिलाफ वहां पे उस वक्त संघर्ष हुआ था मुंबई में। आहिस्ते आहिस्ते दक्षिण भारत में, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, केरला में, केरला में, हर जगह पे वहां पे उद्योग आने लगे, इंडस्ट्री आने लगी, वहां के लोगों को काम मिलने लगे, वहां के जो राजनेता थे उन्होंने वहां पे इंडस्ट्री लाई, वहां पे उन्होंने काम शुरू कर दिया। अभी दक्षिण भारत से लोग नहीं आते। मैं आपकी सोच समझ सकता हूं कि हमें वहां पे काम नहीं मिलता इसलिए हम लोग दर दर भटकते हैं, लेकिन जिस महाराष्ट्र में आ रहे हैं वहां पे भी लाखों युवक आज, उनको भी हाथ को काम नहीं है। हमारे अगर विदर्भ में जाएंगे, हमारे मराठवाड़ा में जाएंगे, हमारे पश्चिम महाराष्ट्र में जाएंगे, हमारे कोंकण में जाइए, बहुत सारे ऐसे युवक हैं जिनको मालूम ही नहीं है कि काम कहां पे है। महाराष्ट्र के भी लोग बताते नहीं कि भाई यहां पे इंडस्ट्री आई है तो यहां इंडस्ट्री में कौन से लोग चाहिए, उनको कौन से लोग भरने चाहिए। और जब
बहुत सारी इंडस्ट्री में पता चले कि बाहर से लोग भर रहे हैं, आप मुझे बताइए संघर्ष नहीं होगा तो क्या होगा? यह इतनी सीधी बात है। मीडिया के लोग, मुझे याद है वो मेरा भाषण चल रहा था, मैं मराठी में भाषण दे रहा था, एक यहीं का एक रिपोर्टर था ये, जो उसने मुझे बताया और उसने कहा कि मैं, हमारे जो एंकर जो दिल्ली में थी वहां पे कुछ गलत दिखा रहे थे, जो मैं भाषण कर रहा हूं मैं बता रहा हूं वो दिखा नहीं रहे थे, यानी वो लिखते हैं ना भाषण में मैं क्या बोल रहा हूं, वो जो लिखते हैं वो कुछ गलत लिख रहे थे। तो यहां के वो रिपोर्टर ने उनको फोन करके बोला कि आप जो दिखा रहे हैं वो गलत है, राज ठाकरे ऐसे भाषण नहीं बोल रहे, वो जो बोल रहे हैं वो अलग है, आप दिखा रहे अलग। तो उस लड़की ने उस रिपोर्टर को कहा कि शट अप, तुम तुम्हारा काम करो, हम हमारा काम करेंगे। मतलब क्या इसका? यानी आपके टीआरपी के लिए अगर आप राज्य राज्यों के बीच में अगर आप आग लगाते रहेंगे ये कैसे होगा? ये बात मुझे लगता है कि आपको समझ लेनी चाहिए। एक डोमिसाइल सर्टिफिकेट होता है, मुझे लगता है कि हर राज्य में डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो होता है उसका प्रारंभ होना चाहिए। कुछ कायदे जो बने हैं उस वक्त की हालात, उस वक्त के हालात अलग थे, आज के हालात अलग है, बहुत सारे ऐसे कायदे जो है वो बनने चाहिए। हमारे यहां पे राज्य जो है, राज्य में सत्ता होती है, केंद्र में सत्ता होती है, केंद्र का काम अलग रहता था, अभी ये नरेंद्र मोदी आए तब से कुछ अलग अलग ही बन रहा है। जब वो मुख्यमंत्री थे तब भाषा उनकी अलग थी, जब प्रधानमंत्री बन गए तो भाषा उनकी अलग है, जब मुख्यमंत्री थे तो नरेंद्र मोदी कहते थे केंद्र को, उन्होंने केंद्र को कहा था जब मुख्यमंत्री थे कि हमें आप पैसे भेजना बंद कर दीजिए, हम आपको पैसे देना बंद कर देंगे, हम हमारा राज्य चलाएंगे। प्रधानमंत्री बनने के बाद कह रहे हैं हम हमारा पैसा हमारे पास रखेंगे, राज्यों का पैसा भी हम लोग ले लेंगे। आपको मैं जरूर बताना चाहता हूं कि ये क्या हालत है आपके प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, इन्हें क्या मिलता है। ये देखिए महाराष्ट्र केंद्र में जितने पैसे देता है, केंद्र को जितने पैसे देता है, महाराष्ट्र केंद्र के भंडार खजाने में 100 रुपयों का योगदान देता है तो महाराष्ट्र को सिर्फ उसके बदले में 13 रुपए 20 पैसे मिलते हैं। यानी 100 रुपए अगर महाराष्ट्र डाले तो 13 रुपए 20 पैसे मिलते हैं वापस। लेकिन बिहार जब जब 100 रुपया देते हैं तब उन्हें विकास के लिए 139 रुपए मिलते हैं। यह कौन सा तरीका है मुझे समझा नहीं। जो स्टेट काम कर रहा है, जो पैसे खड़े कर रहा है, जो पैसे केंद्र को दे रहा है उनको 13 रुपया, 100 में से 13 रुपया, और जहां पे इंडस्ट्री नहीं है, जहां से लोग उठ के बाहर जा रहे हैं, दूसरे राज्यों में जा रहे हैं काम के लिए जा रहे हैं, तो वहां के राजनेता कुछ काम नहीं कर रहे तो उनकी यहां पे 100 रुपए में उनको 139 पैसे मिल रहे, रुपए मिल रहे। यानी पैसे के पैसे पैसे खा रहे हैं, काम कुछ नहीं कर रहे हैं, उद्योग नहीं ला रहे हैं, लोगों को रोक नहीं रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, अपमानित हो रहे हैं। यह कौन सा तरीका है भाई, ये कौन सा जीना है? और मैं आज आपको कह देता हूं, देखिए मुझे संघर्ष करने की जरूरत नहीं, लेकिन यही अगर तरीका और बढ़ते जाएगा
और हर राज्य में संघर्ष होगा ही। अगर इन्हें सुधारना है तो आपको आपके लोगों के बीच में सुधार लाना चाहिए, उनको ये सारी बातें कहनी चाहिए। और आपके कहने के भी बाहर अगर वो लोग होंगे तो हम तो है ही, ये किसी दादागिरी की बात नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि हर राज्य बड़ा हो, उद्योग में बड़ा हो, बाकी सारी चीजों में बड़ा हो, और हर राज्य के बीच में एक हेल्दी कंपटीशन हो, कि अगर ये राज्य ऐसे कर रहा है तो मैं ये ऐसे करूंगा, वो राज्य ऐसे कर रहा है तो मैं ऐसे करूंगा, इससे मुझे लगता है देश ही बड़ा होगा। हर राज्य अगर बड़ा होगा तो देश ही बड़ा होगा। यही बात मैं आज तक कहते आया हूं, अब समझी? बाकी वो चीजें छोड़ दीजिए, मुझे अभी तक पता नहीं चला उसमें कंट्रोवर्सी क्या थी। अमिताभ बच्चन जी का जब सवाल आया था तो मैंने क्या गलत बताया था? मेरा जो वाक्य था वो जो उस वक्त था आज भी वही है। बीच में एक बार मेरे साथ अमिताभ बच्चन जी एक स्टेज पे आए थे, उनके सामने भी मैंने वही बात रखी थी। मैंने सिर्फ इतना ही कहा था कि अमिताभ बच्चन जब लोकसभा के लिए खड़े हुए तो उन्होंने इलाहाबाद से खड़े हुए, क्यों नहीं मुंबई से? जब उन्होंने काम किया तो एक भोजपुरी फिल्म में काम किया था, जब उनके कोई बहू के नाम से कोई कन्याशाला निकालनी थी उसके लिए उन्होंने उत्तर प्रदेश की जमीन चुन ली थी। मेरा सिर्फ इतना ही छोटा सा सवाल था कि इतने बड़े शहंशाह, इतने बड़े आदमी को, जो इतना बड़ा कलाकार है, इस इतने बड़े कलाकार को अगर अपने मातृभूमि या जन्मभूमि के बारे में या अपने राज्य के प्रति अगर इतना प्यार हो सकता है तो राज ठाकरे बहुत छोटा आदमी है, उसको अगर महाराष्ट्र के प्रति प्यार होगा तो उसमें गलत क्या है? यही मेरी भूमिका थी और यही मेरी भूमिका रहेगी। बात किसी से नफरत करने की नहीं है, लेकिन किसी से नफरत करने की नौबत भी ना आ जाए ये मैं चाहता हूं। तो बस यही था मेरा, जो मुझे मैंने जो कहा था इतना ही मेरे सामने जो था वो इतना ही था। आज आप आए हैं, मुझे लगता है कि आपने मुझे शायद समझ लिया होगा कि मुझे क्या कहना है और मुझे क्या करना है। मैं महाराष्ट्र का उत्कर्ष चाहता हूं, महाराष्ट्र में मराठी लोगों का उत्कर्ष चाहता हूं। मेरे महाराष्ट्र के साथ जो बरसों से, सालों से जो मेरे साथ महाराष्ट्र के जो है, जो इतर भाषिक भी होंगे लेकिन जो महाराष्ट्र को मानते हैं, मेरी मराठी भाषा को मानते हैं, यहां के लोगों का सम्मान रखते हैं, उनकी भी तरक्की मैं मेरे हाथ में मैं करूंगा। सो महाराष्ट्र का उत्कर्ष करना ये मेरा काम है। आप जाके सिर्फ वहां पे उनकी उस राजनेताओं को बताइए, उस प्रदेश का उत्कर्ष उनके हाथों हो, बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।